सो वीडियो को शुरू करने से पहले पानी पिया जाए। अगर आप पानी पीते हो तो आप हाइड्रेट रहोगे, अच्छा भी रहेगा हेल्थ, मतलब अच्छी बात है। यहाँ पर अभी जो वीडियो का टॉपिक है वो सिंपल है जैसा टाइटल है, बट यहाँ पर जो न्यूज है वो मल्टीपल है, तो आपको मतलब टाइम स्पेस देखने को मिल जाएगा, तो आप उसके हिसाब से मतलब शिफ्ट कर सकते हो। जो कैटेगरी की न्यूज आपको पसंद है उसके हिसाब से आप जा सकते हो। यहाँ पर जो रूमर है वो चाइनीज सप्लायर की तरफ से आता है। सबसे पहले बात करते हैं आईपैड एयर 5 के बारे में। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो हमें मिलने वाला है 10.9 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, वो मेरी तरफ से आ रहा है, बट यहाँ पर अगर ये साल नहीं आता है, नेक्स्ट ईयर आता है, तो शायद से हमें ओलेड देखने को मिल सकता है। मिनी एलईडी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है कि भाई ओलेड देखने को मिल सकता है डिस्प्ले इसमें, तो ये चीज भी आपको नोट करनी है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही वीडियो देख रहे हो बैठ के मजे से, तो भाई मजे से सब्सक्राइब कर दो, मजा आ जाएगा, अच्छा लग जाएगा आपके भाई को। यहाँ पर अभी बात करते हैं लिडार सेंसर के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई लिडार सेंसर आएगा। ऊपर से एक और स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा भी जो डाउट है, क्वेश्चन जो क्रिएट हो रहा है, वो थोड़ा अच्छे वे में क्लियर अप हो जाए। यहाँ पर अभी जो मैक टका रहा है वो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो 2021 iPad Pro आता है M1 के साथ, या फिर मतलब जो 2020 आता है उसका जो डिजाइन है उसको कॉपी करके एप्पल जो है वो आईपैड एयर 5 बनाने वाला है, जो मेरे हिसाब से सही है, बट आपको थोड़ा अच्छे वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये चीज कैसे होने वाली है। अब यहाँ पर एप्पल जो है 2022 में मार्च महीने में अगर लॉन्च कर देता है नया वाला आईपैड प्रो जो M2 के साथ आएगा, यहाँ पर हमें जो डिजाइन है और यहाँ पर जो कैमरा लेआउट है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो शायद से ये डिजाइन जो है वो पुराना हो जाएगा और डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद वो लोग सेप्टेम्बर या फिर मतलब अक्टूबर के आसपास ये चीजों को वापस से उठा के, सबसे पहले यहाँ पर जो स्पीकर्स है, यहाँ पर जो 4 कोर स्पीकर आते हैं उनमें से यहाँ पर जो 2 स्पीकर है उनको रख देना चाहिए, वैसा ही जैसा भी आईपैड एयर 4 में रखा है। यहाँ पर अगर आपको अच्छी कॉस्ट कटिंग करनी है तो माइक्रोफोन जो 5 स्टूडियो मिलते हैं उसको मिनिमम 2 से ज्यादा ऊपर मत रखना। यहाँ पर जो फेस आईडी है उसको रिप्लेस करके टच आईडी दे दो। ज्यादातर यहाँ पर जो अपग्रेड है ना वो पीछे के साइड में आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल लुक वाइज में अगर आप देखते हो तो पीछे देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लिडार सेंसर और यहाँ पर जो डुअल कैमरा है वो ही देना। यहाँ पर साथ में साथ जो एलईडी लाइट है उसका भी कॉस्ट कटिंग कर देगा एप्पल। तो यहाँ से एप्पल के लिए जो चीजें है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इजी हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर हमें A15 या फिर मतलब जो A15X बायोनिक है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें 5G mmWave देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग मेंटेन रखने वाला है एप्पल, तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो सप्लायर है वो ये मजाक वाली बात कर देते हैं ना। यहाँ पर जो मिनी 6 है वो बताया जा रहा है 8.4 इंच का डिस्प्ले, A14 बायोनिक चिपसेट वो देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने ये चीजें क्लियर अप कर दी है, 8.3 इंच होने वाला है, 8.4 इंच नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो 9th जनरेशन का जो आईपैड आने वाला है उसमें जो हमें फॉर्म फैक्टर मिलने वाला है वो दोनों का सिमिलर होगा। यहाँ पर जो बजट का आईपैड आता है वो ज्यादा बड़ा आता है एज कम्पेयरिंग टू आईपैड जो अभी आते हैं मिनी। अगर एप्पल करता भी है ना तो भाई बर्बाद छरबाद हो जाएगा, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। मतलब अभी नुकसानी का काम तो भाई कंपनी करेगा नहीं, ये चीज आप कैसे मतलब स्टेटमेंट दे सकते हो। और ये बताया जा रहा है अंटिल लेटर 2022 तक होगा, तो बहुत टाइम है। पर जो फिलहाल जो 9th जनरेशन है उसके ऊपर इतना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आता है इन्फॉर्मेशन तो आपको उसके ऊपर अपडेट दे दिया जाएगा। सो दैट्स अबाउट इट। यहाँ पर जो चीजें हैं वो मैंने क्लियर अप कर दी है। तो ये वीडियो को जो है वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में साथ जो बेल आइकन है ना उसको दबाना मत भूलना।